शाम भी कोई जैसे नदी लहर लहर जैसे बह रही है, कोई अनकही कोई अनसुनी बात धीमी धीमी कह रही है। नमस्कार सीरीसीएन के दर्शकों, स्वागत है आप सभी का हमारे इर्किस सेशन पर। और इस भाग में हम लेके आए हैं द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड टैलेंटेड, द विनर ऑफ अरुणाचल आइडल एंड द तानी आइडल। हर नेम इज मेनाम गोई। सो वेलकम मेनाम टू आवर स्टूडियो। इट्स वेरी काइंड ऑफ यू दैट इतना बिजी स्केड्यूल के बावजूद आप हमारे स्टूडियो में आए और हमारे साथ मौजूद हैं। ओके प्लेजर। ठीक है, इसी के साथ मैं क्वेश्चन राउंड स्टार्ट करने वाली हूँ। तो सबसे पहले क्वेश्चन है मेरा कि हाउ डिड यू स्टार्ट द सिंगिंग जर्नी, कब से कहाँ से हुआ और कैसे हुआ आपका जो सिंगिंग जर्नी स्टार्ट हुआ था? सच कहूँ तो लाइक आई हैव बीन टॉकिंग अबाउट दिस इन वेरियस इंटरव्यूज एज वेल। बहुत सारे इंटरव्यूज में भी ये कहानी मैंने कहा, तो आई थिंक आई शुड इवन से इट राइट नाउ। ऑफ कोर्स, हमारे लिए तो नया हो। एक्चुअली बचपन से मुझे गाने का बहुत शौक था। लाइक आई स्टिल रिमेंबर ड्यूरिंग माई क्लास फोर डेज, मैं वीकेवी की प्रोडक्ट हूँ, वीकेवी निवेदिता बिहार। अच्छा अच्छा अच्छा। तो एक्चुअली वीकेवी निवेदिता बिहार में यू नो स्कूल्स का कॉम्पिटिशन रहता था, तो उस पर लाइक आई हैड अ फ्रेंड ऑफ माइन, शी इज मिस ताकुयाका, बहुत बहुत अच्छी है लड़की, मेरे दोस्त है। एंड लाइक शी इज वेरी एनकरेज, शी हैज़ बीन वेरी एनकरेजिंग लाइक यू नो स्पेशली इन दिस पाथ ऑफ सिंगिंग। तो एक्चुअली बहुत सारे सीनियर्स भी थे हमारे, लाइक लॉट ऑफ मैंने बहुत सारे नाम से, तो मुझे याका का नाम याद है। तो एक्चुअली लाइक बचपन में कुछ सिंगिंग कॉम्पिटिशन रहता था, मैं बहुत यू नो चुप चुप कर गाना तो बहुत गाती थी ना, मतलब शर्म लगता था। या आई वाज लाइक लिटिल शाय था, बहुत शर्मीली थी। तो याका लाइक आई स्टिल रिमेंबर कि याका को एक कॉम्पिटिशन में डाला था, लाइक हमारे जो सीनियर्स थे ना, लाइक दे पुट हर इन अ कॉम्पिटिशन, बट शी डिडंट वांट टू सिंग बिकॉज उन्होंने लाइक बिकॉज याका हर्ड मी सिंग, तो लाइक सो याका रिक्वेस्टेड मी कि उसकी जगह मैं गाऊं। ओके तो ऐसा कुछ था। तो लाइक बिकॉज ऑफ दैट लाइक तभी दैट वॉज द फर्स्ट टाइम आई सेंग ऑन द स्टेज। कितनी क्लास में थे वो टाइम? आई थिंक आई वॉज ऑन क्लास थ्री। क्लास थ्री में, इतने छोटे में? अच्छा अच्छा, क्लास थ्री की बात है ये। तो लाइक स्कूल कॉम्पिटिशन था हल्का सा, बिना म्यूजिक का, बस ऐसे वोकल्स में रो में। तो ऐसे गान, तो आई थिंक दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई लाइक एवर संग ऑन स्टेज, एंड आई वाज सो डैम नर्वस, एंड वो गाना सुपर हिट हो गया। ओह अच्छा, कौन सा गाना था? एक लोकल गीत थे। बचपन से बचपन गाया था, बचपन में गाया था, एंड लाइक गाना सुपर हिट, मतलब लोगों ने पूरा पसंद किया स्कूल में, बहुत बहुत पसंद किया। एंड आफ्टर इट लाइक बेसिकली लाइक तभी से लाइक गाना एक्सपोजर, मतलब कहीं वो आपके दोस्त के वजह से और वो स्टेज के वजह से आपको एनकरेजमेंट। हाँ हाँ, धीरे धीरे लाइक मैंने कॉम्पिटिशन, इवन स्कूल्स के, इंटर स्कूल्स के कॉम्पिटिशन में पार्ट लेना शुरू किया, एंड देन स्लोली स्लोली लाइक बदन। लाइक एक बात तो जरूर थी, जरूर है ना, कि एक्चुअली मेरे माँ बहुत सुरीली है। माई मदर इज अ वेरी गुड सिंगर, एंड इन लाइक इन वेरी फ्यू डेज आई एम गोना सिंग विद हर लाइक यूट्यूब चैनल में। ओके, मॉम के साथ। मॉम के साथ, इट्स अ वेरी गुड न्यूज। हां या, तो माँ के साथ में यू नो आई विल बी हियर इन सोशल मीडिया में होंगी, तो यू विल हियर हर वेरी सून। तो बट लाइक एक बात थी, लाइक बचपन से मुझे गाने का तो बहुत शौक था, बट देन ठीक है स्कूल लेवल कॉम्पिटिशन्स चलता है, बट देन लाइक यू नो हाउ आर्टिस्ट लाइफ इज, कभी कभी रात को प्रोग्राम मिल जाता है, कभी कभी दूर जाना पड़ता है आउट ऑफ लाइक कैचमेंट एरिया, एंड देन एंड दोस्त वगैरह के साथ, तो लाइक पेरेंट्स इतना सपोर्टिव नहीं था ओवर टाइम को, बिकॉज़ यू आर इन टीनेज और या एक्चुअली कॉलेज डेज की बात है। ओह कॉलेज डेज, या कॉलेज डेज की बात है, बट लाइक यू नो पेरेंट्स थोड़ा प्रोटेक्टिव रहता है, एंड आई एम द फर्स्ट इन माई होम, तो लाइक सिबलिंग्स में फर्स्ट हूँ मैं, तो लाइक थोड़ा प्रोटेक्टिव रह जाता है। तो लाइक ऐसे ही था, पेरेंट्स थोड़ा प्रोटेक्टिव थे, एंड मुझे लाइक कॉम्पिटिशन्स में भाग तो दूर का बात है, इवन शोज में भी गाने नहीं। अच्छा, वो मतलब रात को जाना पड़ता है, ट्रैवलिंग करना पड़ता है अकेली लड़की, इसकी वजह से। हाँ हाँ, दैट्स द थिंग। तो ऐसे ही था। तो लाइक अदर देन दैट, मेरा पहला एक्सपोजर आई थिंक लाइक बेस्ड ऑन म्यूजिक इन अरुणाचल में, लाइक आई थिंक दैट वॉज ड्यूरिंग लाइक माई कॉलेज कॉलेज फर्स्ट ईयर में, लाइक उस समय एक कॉम्पिटिशन था कॉलेज में, कॉलेज में नहीं, एक्चुअली कॉम्पिटिशन जो ऑल इंडिया रेडियो पे था, ऑल इंडिया रेडियो पे था, तो वहाँ पे मेरा एक दोस्त था टोनी पालंगना, लाइक एक भैया भी था, वो भैया मुझे लाइक भैया
ही रिक्वेस्टेड मी कि लाइक यू आर अ गुड सिंगर, यू सिंग क्वाइट वेल, क्यों ना कॉम्पिटिशन में भाग लें. ओके. तो लाइक आई वॉज लाइक आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट इट, क्योंकि लाइक आई वॉज इन स्कूल एंड आई वॉज इन कॉलेज एंड क्लासेस जाना पड़ता था. तो बट स्टिल लाइक ठीक है चलो कोई बात नहीं ट्राई करते हैं. देन आई स्टार्टेड, दैट वॉज द फर्स्ट टाइम दैट आई सिंग इन फ्रंट ऑफ जजेस, लाइक जो थोड़ा ऑफिशियल वाला होता है ना. मतलब एक जो प्लेटफॉर्म जहाँ पे थोड़ा कंपटीशन लेवल भी है. एंड ट्रस्ट द रियल कंपटीशन, एंड ट्रस्ट मी द सिंगर्स वर ऑसम. आई स्टिल रिमेंबर लाइक बहुत सारे सिंगर्स थे, उसमें से मुझे दो याद है बिकॉज दे वर फैबुलस. टोनी पालिंग, अ फ्रेंड ऑफ माइन, एंड लिखा यारी. लिखा यारी बोथ ऑफ देम वर वेरी गुड, दे वर डैम गुड. एंड लाइक आई वॉज लाइक ये तो बहुत अच्छे सिंगर्स है, बिकॉज आई हैड नो कॉन्फिडेंस एट दैट टाइम. ट्रस्ट मी, कॉन्फिडेंस का सी भी नहीं था मेरे अंदर. तो उनको सुनने के बाद तो और भी फील डाउन हो गया. तो लाइक बट स्टिल चलता गया. एंड देन आई रीच्ड इवन लाइक फाइनल में भी पहुंची थी मैं. लाइक आई वॉज इन द थर्ड पोजिशन में थी मैं. तो फर्स्ट था वही टोनी पालिंग था, इसके बाद यारी थी, इसके बाद मैं थी. थर्ड लेवल में थर्ड थी. लाइक कॉम्पिटिशन इतना बड़ा नहीं था, बस हल्का सा अंदर में हुआ, खत्म हो गया. अच्छा. तो ऐसे होने के बाद तो उसके बाद दैट वाज द फर्स्ट, दैट वाज लाइक बचपन को छोड़ के लाइक इन दिस लेवल इट वाज द फर्स्ट टाइम. इसके बाद अनदर थिंग वाज मुझे केपॉप का बड़ा शौक था. कोरियन पॉप का बड़ा शौक था मुझे. लाइक कोरियन सॉन्ग्स इनफैक्ट अभी भी पसंद है, काफ़ी अच्छे हैं उनके गीत. तो मैंने कॉम्पिटिशन में पार्ट लिया केपॉप में. मैंने केपॉप कॉम्पिटिशन में पार्ट लिया एंड अभी भी इनफैक्ट लाइक काफ़ी लाइक मेरा यूट्यूब में शायद अभी भी है हमारा वीडियो ANM2. मैं थी अनुमारा, she is first runner up Arunachal Idol. अच्छा, अनुमारा second season, first season. जी. तो अनुमारा, इसके बाद मैं, इसके बाद तार नेरोली, वो भी अरुणाचल आइडल की आई थिंक थर्ड रनर अप, फोर्थ रनर अप थे. एंड देन इसके बाद हमारे साथ मामूंग भी था, आगे मामूंग. तो लाइक हम लाइक वी टीम्ड अप एंड देन वी वेंट फॉर द कॉम्पिटिशन. लाइक आगे तो नहीं गया, बस यहाँ का क्लियर हुआ. एंड देन यू नो मॉरल काफ़ी डाउन हो गया था. लाइक मुझे लगा कि शायद प्रोबेबली शायद कंपटीशन के लिए नहीं बनाए. तो वो भी पेरेंट्स से चुप के गया था. ओह अच्छा. कहाँ जाना पड़ता है लेकिन एक्चुअली पॉप केपॉप के लिए जो आप कह रहे हैं? एक्चुअली यहाँ पे केपॉप के लिए ऐसे रहता है ना, यहाँ पे हम लोग को लाइक ऑनलाइन ऑडिशन लेते हैं. हाँ, ऑनलाइन ऑडिशन. अच्छा. यूट्यूब पे लाइक वीडियो बनाकर यूट्यूब में अपलोड करना पड़ता है. ओके. तो वो वीडियोस को वो लोग देखते हैं, लाइक दे सेलेक्ट करते हैं वहां से. अच्छा. वहीं से सेलेक्ट. आफ्टर दैट उन लोग कहाँ बुलाते हैं? आफ्टर इट डिपेंड्स, जिस समय जिस साल में गई थी लाइक इट वाज इन सिक्किम. सिक्किम. अच्छा. तो मॉम डैड को कैसे झूठ बोला? एक्चुअली झूठ बोला नहीं था. एक्चुअली आई जस्ट अप्रोच कि मम्मी मुझे कॉम्पिटिशन है कि वो मुझे बहुत इंटरेस्ट है, मुझे लाइक आई वांट टू पार्टिसिपेट. तो मॉम नो. मॉम वाज लाइक नो. पापा को तो मॉम इज नो देन पापा तो और क्या. तो बोला ही नहीं, हम चुप हो गया डायरेक्ट. आई जस्ट अप्रोच वंस एंड देन डिडंट से एनीथिंग. तो चुप. आफ्टर दैट लाइक मेरा बुआ था एक ना, मेरा बुआ, शी इज़ वेरी स्वीट एंड शी, ट्रस्ट मी, शी इज द वन हु सपोर्टेड मी एवरी टाइम. बट धीरे धीरे पेरेंट्स, मेरे जो बुआ लाइक शी इज अ वेरी स्ट्रांग लेडी, मेरा बुआ है. एंड शी वॉज द वन हु एक्चुअली लाइक सपोर्टेड मी. उसके घर पे थी एंड वहीं से मैं प्रैक्टिस करने जाती थी. इनफैक्ट लाइक मेरा तानी आइडल एंड अरुणाचल आइडल का पूरा जर्नी उन्हीं के घर से हुआ. अच्छा अच्छा. उन्हीं के घर में. एक्चुअली मेरे घर निर्जुली पे है, जितना कॉम्पिटिशन होता है सभी ईटानगर में होता है. तो लाइक ईटानगर पे या मेरे बुआ के घर, ये राजभवन के पास, तो वहीं पे रहती थी. एंड देन वहीं से आना जाना. हाँ, वहीं से आना जाना. तो लाइक इवन इन द बिगिनिंग एंड टिल नाउ शी इज बीन वेरी सपोर्टिव टू मी. आई रियली लव हर. सो लाइक जब ये केपॉप का कंपटीशन चल रहा था एंड वी हैड टू रोम अराउंड फॉर डोनेशंस बिकॉज वी पेरेंट्स का तो कोई सपोर्ट है नहीं, तो खुद ही करना पड़ेगा सब कुछ. तो लाइक हम लोग इधर उधर दौड़ता था एंड सब कुछ मैनेज हो गया. अच्छा. सब कुछ मैनेज हो गया. और मॉम को बिल्कुल आइडिया नहीं है. हाँ, बाद में मैंने बता दिया कि दूर जाना है ना. तो लाइक दे वर आल्सो क्वाइट नर्वस कि कंपटीशन में जा रहे तो थोड़ा बदन. आई डिडंट गेट सेलेक्टेड. तो आप केपॉप में सेलेक्ट नहीं हुई, इतना स्ट्रगल करके गए? नहीं नहीं नहीं, सेलेक्ट नहीं. कंपटीशन काफी टफ था. अच्छा. कहाँ कहाँ से वहाँ पे लोग आते हैं इसमें? इनफैक्ट लाइक पूरे इंडिया से आते हैं. ओह ऐसा होता है. अच्छा. लेकिन मतलब बहुत बड़ा है कंपटीशन, लाइक एंटायर नेशनल लेवल पे होता है. अच्छा. प्लेटफॉर्म बहुत बड़ा है केपॉप. हाँ, मैंने सिर्फ सुन रखा था इस बारे में. तो ये तो हो गया आपका जो सपोर्टर्स आपके बचपन का, टीनेज का. अब जो आगे बढ़े हो उसका थोड़ा बता दीजिए. ठीक है. तो एक्चुअली केपॉप कॉम्पिटिशन के बाद लाइक आई वॉज
मॉरल डाउन हो गया था शायद कॉम्पिटिशन्स मेरे लिए ना गाना शायद मेरे लिए है ही नहीं बट स्टिल लाइक कहीं ना कहीं बहुत इंटरेस्ट है ना मुझे गाने का बहुत शौक है तो इसलिए लाइक दूसरा कॉम्पिटिशन और एक बार मैंने पार्टिसिपेट किया गॉस्पेल सिंगिंग फेस्टिवल गॉस्पेल सिंगिंग फेस्टिवल तो लाइक आई स्टिल रिमेम्बर कि जो मेरे यू नो लाइक चर्च के जो लाइक लीडर्स थे लाइक दे आस्क मी कि ऐसे कुछ कॉम्पिटिशन हो रहा है देन वाई डोंट यू पार्टिसिपेट तो इसीलिए लाइक देन आई सेड या दैट्स फाइन तो मैंने ऐसे पार्टिसिपेट किया गॉस्पेल सिंगिंग कॉम्पिटिशन में एंड देन लाइक आई डोंट नो इफ आई शुड बी सेइंग दिस But actually, like, वहाँ पे जो प्राइस था ना should I be saying this or of course yeah. actually जो प्राइस था ना वो स्कूटी था तो मुझे एक स्कूटी चाहिए था तो मुझे स्कूटी चाहिए था एक्चुअली ना वो उसके लिए गॉस्पेल मतलब कंपटीशन में या मैंने कंपटीशन में पार्ट लिया तो एक्चुअली प्राइस मनी प्राइस तो स्कूटी था दैट इज लाइक फॉर ट्रू आई मैं सच बोल रही हूँ तो एक्चुअली लाइक कॉम्पिटिशन में प्राइज जो स्कूटी था तो वो स्कूटी के लिए मैंने पार्टिसिपेट किया था एंड देन लाइक बट आई डिन विन बट आई डिन विन आई गॉट फर्स्ट रनर अप तो मुझे एक लैपटॉप मिला था जो काफी लाइक यू नो लेकिन आप लैपटॉप बेच के भी तो स्कूटी ले सकती हो या नहीं एक्चुअली मेरे भाई को ज्यादा जरूरत था तो इसलिए लैपटॉप मेरे भाई को गर्ल्स आर गर्ल्स ना और मैं जहाँ तक मैंने देखा है लड़की लोग बहुत ज्यादा मैनेजेबल होती है कैसे ना कैसे जैसे कि आपको स्कूटी चाहिए था आप कंपटीशन में घुस गए अगर लड़के होते तो माँ बाप को तंग कर रहे होते उसके बाद हाँ एक्चुअली लाइक विद दिस थिंग्स लाइक मैंने जिंदगी में एक बात तो रियलाइज किया ना स्पेशली लाइक इन हाउ मच आई हैव एक्सपीरियंस लाइक अंटिल टुडे इसलिए मैं कोई भी कॉम्पिटिशन्स में मैं जज करती हूँ लाइक इवन जो नहीं जीतते जो फर्स्ट रनर अप थर्ड रनर अप सेकेंड रनर अप जो आते हैं लाइक आई यूज टू सजेस्ट देम द सेम थिंग जस्ट बिकॉज यू डिडन्ट विन टुडे डजंट मीन यू कैन नॉट विन टुमारो इजंट इट बिकॉज अगर वो कॉम्पिटिशन्स में मैंने पार्ट नहीं लिया होता और मैं नहीं हारी होती तो मुझे पता नहीं होता कि कॉम्पिटिशन में कैसे लाइक यू नो हाउ इज द प्रोसीजर एंड व्हाट यू नीड सबसे पहले तो कॉन्फिडेंट होना बहुत ज़रूरी है ये दोनों कॉम्पिटिशन्स में मैंने एक बात तो सीखा कि कॉन्फिडेंट होना ज़रूरी है नॉट ओवर कॉन्फिडेंट बट कॉन्फिडेंट होना ज़रूरी है एंड सेकेंड ऑफ ऑल मेहनत करना ज़रूरी है श्योर श्योर एंड लाइक इसके बाद जो नेक्स्ट कॉम्पिटिशन था तानी आइडल ओके तानी आइडल तो बेसिकली तानी आइडल का जर्नी भी कुछ ऐसा ही रहा मेरा जो एक जीजा है एक्चुअली कुछ मेरा हमारे जो आदि ट्राइब के जो एक फेस्टिवल है सोलुंग तो सोलुंग के लिए लाइक एक कुछ थीम सॉन्ग प्रिपेयर कर रहा था देन लाइक दे इवन इनवाइटेड मी मुझे भी रिक्वेस्ट किया कि उनके साथ थीम सॉन्ग में गाओ तो लाइक आई ओके फाइन तो मैं आई वाज जस्ट लाइक रिकॉर्डिंग द सॉन्ग्स तो लाइक इन द मीन टाइम तो मेरे जीजा ने कहा कि एक कॉम्पिटिशन आ रहा है तानी आइडल बॉय डोंट यू पार्टिसिपेट एक्चुअली मैंने बैनर्स देखा था पर लाइक आई वाज लाइक और फर्स्ट टाइम हो रहा था तानी आइडल एंड फर्स्ट ऑफ ऑल यू ऑलरेडी नो कि मेरे पेरेंट्स तो या बता दिया एंड यू नो एक बात तो मैंने अरुणाचल आइडल जीतने के बाद भी नहीं एक्चुअली अरुणाचल आइडल जीतने के बाद अभी मेरे पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव हैं बहुत सपोर्टिव अदर्स व्हाई वुड दे लेट मी गो फॉर बैचलर्स ऑफ म्यूजिक या दैट्स द थिंग तो एक्चुअली लाइक वही लाइक कमिंग बैक टू दैट तो मेरे जीजा मेरे या एक्चुअली आई वाज ट्राइंग टू से दिस During my college, this is very funny, but like, कोई events रहता था, कोई इधर उधर shows रहता था, like, my mom is listening this right now, my dad is even listening this right now, but I should say this, झूठ बोलकर मुझे जाना पड़ता था, क्योंकि मुझे गाने का बड़ा शौक था, गाने का बड़ा शौक था, पहली बात, और दूसरी बात ये था कि, like, I used to earn my own pocket money. अपना own pocket money मैं earn करती थी तो लाइक एक्चुअली बहुत पहले लाइक पेरेंट्स से डिपेंडेंट होना लाइक छोड़ दिया था तो कॉलेज समय से तो इसके वजह से लाइक खुद का पॉकेट मनी के लिए इधर उधर तरह प्रोग्राम वोग्राम करता था तो वही था सिंगिंग इधर उधर कर लेते या तो देयर इज कभी प्रोग्राम होने से ये हॉस्टल्स पे मैं रहती थी पर लाइक बिना परमिशन तो कभी कभी बिना हॉस्टल्स पे रहती तो बिना परमिशन जा लेता था पर लाइक यू नो लाइक घर पे बताना पड़ता है ना तो कहाँ जा रही है रात का समय होता है मोस्टली जो भी फंक्शंस होता है तो इसके वजह से लाइक आई यूज्ड टू इन द बिगिनिंग थोड़ा तो मतलब अभी इंडियन आइडल हो गया और अरुण तानी आइडल हो गया अरुणाचल आइडल सॉरी अरुणाचल आइडल मे बी आप इंडियन आइडल में भी जाओ अरुणाचल आइडल का विनर रह गए आप और तानी आइडल का तो वो जो अभी एज ए विनर
क्या है अभी जो माहौल है, अभी लाइफ का कैसा है? सेलिब्रिटी कुछ फीलिंग होता है या फिर सिंपल वही है वैसा ही है? मेरे तरफ से तो सिंपल है. आई एम जस्ट एज द सेम जैसे मैं पहले थी, अभी भी वैसी हूँ. काफ़ी लोग से एक्चुअली मैंने सुना था ये बात. कॉम्पिटिशन्स जब मैं जीती थी ना, तो काफ़ी लोग से सुना था कि अभी नाक इतना लंबा करके मत घूमो, इतना लंबा करके मत घूमो, बस स्टे टू द ग्राउंड. बहुत सारा कमेंट सुना था मैंने. तो एक्चुअली ऐसे कुछ एडवाइस देने वाले बहुत सारे आ जाते हैं, बी सिंपल और ऐसे कुछ होता नहीं, ज्यादा उड़ो मत. अंडरस्टैंड, ऐसे कुछ होता. और एक बात मैंने सुना है कि आप बहुत अच्छे कंपोजर भी हो, सॉन्ग्स बहुत अच्छी तरह से कंपोज करते, खुद लिखती भी हो आप? हाँ, एक्चुअली मैंने एक दो गीत लिखा हुआ है. तो मैं चाहती हूँ हमारे व्यूवर्स को क्यों ना सुना दो आप. कोई लोकल गाना है या फिर हिंदी गाना कुछ? एक्चुअली लाइक तानिया आदल के समय में मेरा मैंने लाइक एक सेल्फ कंपोज एक और बहुत हिट भी हुआ था आई थिंक वो गाना. हाँ, एक्चुअली मैंने एक फोक सॉन्ग गाया था. एक्चुअली जो मैं मेरे जो आई शुड से दिस, एक्चुअली मैं अपने डायलेक्ट इतनी अच्छे से बोल नहीं पाती हूँ, तो इसीलिए मेरे जो बुआ है, द वन आई मेंशन्ड अर्लियर, मेरे जो बुआ है उन्होंने मेरे लिए लिखा था. ओह वाओ, सी इज आल्सो टैलेंटेड. उन्होंने मेरे लिए लिखा था एंड देन हमने मिलके ये गाना को ओह वाओ आगे दिया था. तब तो ऐसा है, तो आपका बुआ से भी मिलना ही पड़ेगा. तो फिर हम लोग के व्यूअर्स को थोड़ा वो गाना सुना दीजिए. हाँ जी, जरूर. Dalang mo ko, o mga ngolo, o magkaya.
Dalang mo ko o mangolo o magamimar kapsiduna. Dalang mo ko o mangolo o magasiririsiduna. Dalang mo ko o mangolo o magamimar kapsiduna. O magasiririsiduna. Oma kami markap si Duna. It was a very good song and very beautiful song. Thank you. आप बुआ और बेटी तो बहुत talented निकले. Yeah, credit goes to my बुआ. आया आया और तानी आइडल में ही ये song बहुत hit हुआ था. तो ये गाना का जो आदीज नहीं है उन लोगों को थोड़ा meaning समझा दीजिए ना इसका exactly क्या है. क्या मतलब first क्या उतरा था आपके दिमाग में या फिर आपके बुआ के दिन किसको लेके आप लोगों ने ये गाना बनाया. एक्चुअली सच बताऊँ तो लाइक ये गीत हमारे लाइक जो सोसाइटी के बीच तो हिट हुआ ही है. एक्चुअली दूसरे सोसाइटी के पीछे बहुत हिट हुआ क्योंकि स्पेशली वुमेन 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 सोसाइटी के पीछे बहुत हिट हुआ क्योंकि ये गाना ही वुमेन के बारे में है. आपने यूट्यूब में डाला है इसका कवर सॉन्ग. हाँ जी हाँ जी. अच्छा. नो कवर सॉन्ग नहीं डाला एक्चुअली ये एक्चुअली एल्बम में आ रहा है अभी तक मैंने. अच्छा. अभी तक इट्स तो कभी मुझे फॉरवर्ड करना क्योंकि मुझे भी बहुत पसंद है. या जरूर. तो एक्चुअली ये जो गाना है It talks about girls' life. Actually, शुरू में मैंने अपने जगह को story goes and it's like a story. A man is asking me like कहाँ से हो बेटी. Man is asking me like where are you from and I say that कि I am from my village. I mention the name of my village. After that I say कि like और विलेज का नाम मेंशन कर दीजिए. नहीं यहाँ भी मेंशन कर दीजिए. अच्छा मैं आई एम हेलो वंस अगेन आई एम फ्रॉम विलेज आई एम मीनम फ्रॉम विलेज पोंगना पोंगना या सियांग डिस्ट्रिक्ट. तो वैसे मैं अभी तो प्रेजेंटली यहाँ निर्जुली पर रिसाइड कर रही हूँ. लाइक बचपन से यही थी तो बट लाइक विलेज पोंगना. तो बेसिकली लाइक ये गाना ऐसा है कि मैं कह रही हूँ कि वैसे लड़की का कोई एड्रेस होता ही नहीं है. शादी के बाद तो अपने पति की जगह जाना पड़ता है ना. तो कोई एड्रेस होता ही नहीं है. तो आप क्यों पूछ रहे हो बस वही है. तो इसके बाद लाइक मैं कहती हूँ कि लड़की लोग का जिंदगी काफी लाइक मुश्किल रहता है ना. स्पेशली लाइक यू नो आफ्टर गेटिंग मैरिड नॉट एवरी टाइम बट लाइक क्या होता है ना पेरेंट्स लोग इन ओल्डन डेज यू नो लाइक एक्सचेंज ऑफ डाउरी सिस्टम वगैरह वगैरह ना. तो लड़की लोग हमारे यहाँ यू नो इन आवर सोसाइटी इन माई कम्युनिटी लाइक यू नो चूहा जो स्क्वायरल्स वगैरह वगैरह देते थे ना. अच्छा, कुछ फरता तो वगैरह एक्सचेंज में लड़की को देते हैं. एंड देन बिकॉज ऑफ दैट लाइक जस्ट बिकॉज ऑफ फ्यू थिंग्स दैट यू गिव अस सम ऑफ अस सफर अ लॉट लाइफ टाइम हमें दुख रहना पड़ता है अगर अच्छा पति. सो इट्स अ वेरी सैड सॉन्ग. या बट वेरी टचिंग टू. मतलब समझ में तो इतनी अच्छी तरह से तो नहीं आया लेकिन जो म्यूजिक था एंड द वे यू सिंग इट इट्स वेरी एक्चुअली लाइक जिस दिन मैंने ये गीत गाया था काफी वुमेन रोए थे. ओह हाउ स्वीट. होता है ऑफ कोर्स वुमेन्स लोगों को टचिंग हो ही जाता है जब ससुराली वाला या मायका वाला बात आ जाता है. उसके बाद मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपका हॉबीज क्या है. मोस्ट ऑफ द पीपल्स डजंट नो अबाउट यू. सच कहूँ तो मुझे नाचना बहुत पसंद है. ओह रियली. यू आर मल्टीटास्कर यू नो टैलेंटेड. एंड मल्टी टैलेंट तो नहीं कहूंगी पर लाइक या मुझे नाचना बहुत पसंद है. एंड या आई लाइक रीडिंग टू. मुझे पढ़ना भी पसंद है. एंड वेल आई एम नॉट अ वेरी गुड लाइक आई एम नॉट अ वेरी ब्राइट स्टूडेंट बट लाइक या मुझे पढ़ना पसंद है. एंड नाचना बहुत पसंद है. टीवी तो इतना इंटरेस्ट है बस यही है. उसके बाद मैंने सुना है कि आप आफ्टर विनिंग ऑल दिस थिंग्स ऑल दिस कंपटीशंस अब जाके आप एजुकेशन ले रही हो म्यूजिक में. उसके बारे में थोड़ा बता दीजिए. एक्चुअली लाइक एक्चुअली ये काफ़ी लाइक उल्टा हो रहा है. उल्टा हो रहा है एक्चुअली. पीछे से शुरू होते हैं पर मेरा तो रिवर्स चल रहा है. तो कॉम्पिटिशन्स जीतने एक्चुअली कॉम्पिटिशन्स जीतने के बाद मैंने बैचलर्स ऑफ म्यूजिक इसलिए ज्वाइन किया क्योंकि मेरे पेरेंट्स अभी अलाउ कर रहे हैं. दे सी दैट कि आई हैव द पोटेंशियल एंड आई कैन गो अहेड. एक्चुअली माय फादर मेरे जो पिताजी है ना एक्चुअली ही वाज द वन एम्फसाइज्ड कि तुम्हें तो
लेना ही है क्लासेस, अदरवाइज हाउ विल यू गो फॉर द नेशनल लेवल एंड ऑल्सो इंटरनेशनल लेवल. अगर नेशनल लेवल, यू नो, आई हैव नो प्लान्स टू स्टॉप, तो देयर इज नो लाइक अपर लिमिट. तो वही बात है कि मेरे पेरेंट्स लाइक दे स्टार्टेड सपोर्टिंग मी एंड दे स्टार्टेड सेइंग कि लाइक यू नीड टू गो अहेड एंड अगर आगे बढ़ना है कॉम्पिटिशन बहुत टफ है बाहर, तो इसलिए तुम्हें सीखना पड़ेगा म्यूजिक. तो दैट इज द रीजन वाई आई लाइक एक्चुअली मैं प्राइवेट क्लासेस लेती थी लाइक आई थिंक फॉर वन मंथ एंड ऑल. ओके, बट वही सर जो बैनर्जी सर है, बैनर्जी सर सुन रहे हैं, तो बैनर्जी सर ही मुझे डिपार्टमेंट में भी पढ़ा रही है. अच्छा, तो, हाँ, वो बैचलर्स ऑफ म्यूजिक में लाइक जॉइंट प्रोफेसर है. तो लाइक वही मुझे वही पे क्लासेस देते हैं, तो इसकी वजह से अभी तो बहुत कुछ सीख लिया होगा वहाँ पे. अभी थोड़ा कब से हो रहा है मतलब क्लासेस कब से? अभी तो शायद वन एंड हाफ मंथ. ओके, अभी है अभी या बहुत सीखना बाकी है. तो सीखने के साथ साथ आप थोड़ा सुना देंगे क्या सीख रहे हैं अभी? जरूर क्या सुना पाओगे? तो फिर सुनाएंगे राग भैरव. ओह, कैसा होता है? I didn't even knew it. राग भैरव बस पे लाइक I'll be singing. ओके, एक बार सुना गा के सुना दीजिए. बहुत टेक्निकल टर्म्स होता है जो मुझे भी अभी तक याद नहीं है. पर लाइक क्या ये गीत है. ओके, तो जागो मोहन प्यारे सावरी सूरत मोरे मन भावे, सावरी सूरत मोरे मन भावे, सुंदर लाल हमारे जागो मोहन प्यारे. बंदेश. मतलब इसे क्या कहते हैं, क्या बताया था आपने? ये राग भैरव है. इस तरह का बहुत सारे राग होते हैं. यहाँ बहुत सारे राग है. मतलब कुछ भी हो, जो भी हो, और आपका अभी बढ़े ही जा रहे हैं. जो था अब होगा, जो आने वाला है, मतलब आगे बहुत सारा है. और मेरा एक रिक्वेस्ट है और मेरा व्यूवर्स के लिए कि आई थिंक आपने तानी आइडल में एक गाना गाया था विच इज़ फ्रॉम बॉलीवुड सॉन्ग और पहेली. अच्छा, मुझे मेरा फेवरेट गाना है, प्लीज़ उसे भी सुना दीजिए. अच्छा, ज़रूर. नहीं नहीं नहीं, ये बातें हैं पुरानी. ओहो ओ, कैसी पहेली है ये, कैसी पहेली जिंदगानी. ओहो, थामा हर रोका इसको किसने, आये तो बहता पहली है ये, कैसी पहली जिंदगानी. ला 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 हा, ला 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 ला, जू 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 हा, जू 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 जू, पीले सहर इसमें नाशा, कैसी पहली है ये, कैसी पहली जिंदगानी. ओहो, मुझे बहुत पसंद है द वे यू सिंग पहेली. इट्स वेरी सेक्सी एंड सेंसुअल. ओके, थैंक यू सो मच फॉर दिस सॉन्ग. उसके बाद नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है आपके, आप किसे आइडलाइज करते हो, किसे देख के आप ज़्यादा मोटिवेट होते हो? एक्चुअली सच कहूँ तो लाइक हमारे अरुणाचल में बहुत सारे सिंगर्स हैं जिन्हें लाइक मैं बहुत आइडलाइज करती हूँ, पर उनमें से एक है, वन ऑफ माई फेवरेट. मेरे दो कॉम्पिटिशन्स में वो लाइक मेरे जज रहे थे. जी जी.
श्री जेली काई तमीन सर. ओके ओके. एंड आप देख ही रहे होंगे तो लाइक जेली सर, मुझे जेली सर का ये बात पसंद है कि लाइक ही इज़ वेरी प्रोफेशनल इन व्हाटएवर ही डू. लाइक स्पेशली मैंने उन्हें कॉम्पिटिशन्स में देखा है एंड देन लाइक इवन ऑन द ऑफ कैमरा ही इज़ वेरी प्रोफेशनल इन व्हाटएवर ही डू. एंड लाइक जैसे वो हमारे जैसे जैसे कॉन्टेस्टेंट से जिस तरह से बिहेव करते हैं, लोग से जिस तरह से बिहेव करते हैं, जिस तरह से वो अपनी चीज़ों को डील करते हैं, आई थिंक दैट्स वेरी प्रोफेशनल. एंड आई लाइक वेरी प्रोफेशनल मतलब बहुत सीरियस है और बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड. Yeah, dedicated. That is what I like most about him. And like, जब भी सर को मैसेज करती हूँ या फिर कॉल करती हूँ, मैं स्टूडियो से आई हूँ, मैं रियाज कर रही थी, बस ऐसे ही रहता है. तो लाइक तो सर का मुझे ये चीज बहुत पसंद है. ऐसे ऐसे नहीं बैठते मतलब. या कुछ ना कुछ लाइक सीख ही रहे होते हैं. या तो दैट इज द थिंग जो एक्चुअली हमें करना चाहिए एक सिंगर को, क्योंकि आगे बढ़ने के लिए एग्जैक्टली लोग रात दिन लगा देते हैं एज अ सिंगर. क्योंकि कोई कोई जन्म से सिंगर होता है, मतलब जन्म से उन्हें आवाज़ मिलती है, किसी किसी को बनाना पड़ता है. बट देन अगर जन्म से आवाज़ हो लेकिन अगर उसे रियाज ना करे, अगर उसे लाइक यू नो कल्टिवेट ना करे, तो व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ इट, यू नो बेकार पड़ जाता है. तो यू नो जितना भी अच्छे सिंगर हो, रियाज करना बहुत ज़रूरी है. आई हैव लर्न्ड इट बिकॉज आई हैव सीन द डिफरेंस इन माई सेल्फ. मैं खुद पे लाइक यू नो अपने आप पे डिफरेंस देखती हूँ शुरू से लेके अभी तक. बहुत चेंजेस आया मेरे अपने आप पे, मतलब इम्प्रूव हुआ. या इम्प्रूवमेंट, तो दैट इज द थिंग. मतलब आप भी पूरा डेडिकेटेडली करते हो, मतलब जेलिका सर को यू नो फॉलो करते हुए. फॉलो करते हुए. और बॉलीवुड में कोई सिंगर, एक्टर, आर्टिस्ट कौन मतलब आपके फेवरेट? ओके, कमिंग टू द पॉइंट, एक्चुअली मुझे प्रियंका चोपड़ा मैम बहुत पसंद है. मेरा भी फेवरेट है. बहुत पसंद है द वे शी इज लाइक शी कैरी हरसेल्फ कॉन्फिडेंस. एग्जैक्टली. और शी इज अ वेरी गुड सिंगर टू. या वेरी गुड सिंगर, सेंसेशनल सिंगर. एंड द सिंगर्स में बोलूं तो मुझे श्रेया जी बहुत पसंद है. उनकी आवाज तो जी जी वेरी स्वीट, राइट? वेरी स्वीट. नाइट एंगल लाइक. तो आपके जो आइडल है जेली काई, उनका कोई गाना आपको पसंद है जो आप गाना चाहती हो? हाँ, एक्चुअली जेली सर के तो लाइक यू नो सभी गाने मुझे पसंद होते हैं, लाइक जो बॉलीवुड स्टाइल में गाते हैं, इवन लोकल स्टाइल. द बेस्ट पार्ट अबाउट जेली सर का जो गाना है, आई थिंक इवन जेली सर ने मुझे ये टिप भी दिया था, इवन जितने कॉन्टेस्टेंट्स थे मेरे, दो कॉम्पिटिशन्स में उनके लाइक ही जज्ड मी इन टू कॉम्पिटिशन्स, एंड दोनों कॉम्पिटिशन्स में उन्होंने मुझे यही सजेस्ट किया था, इनफैक्ट सभी कॉन्टेस्टेंट को, कि गाने को अपने तरीका से गाना है. तो बस यही सर को, यही चीज़ को मैं फॉलो करती हूँ. तो फिलहाल सभी गाना पसंद है, पर लाइक देर इज़ वन सॉन्ग दैट आई लाइक वेरी मच, दैट इज ताम आ. बहुत खूबसूरत गीत है. एक्चुअली ये गाना को I think Sonam ne bhi gaya tha Arunachal Idol mein. That was the first time that I heard. And like I was, wow, such a beautiful song. Unhone like ye female voice mein gaya tha. Okay. And it's such a lovely song. To please hum log ki viewers ko bhi suna dijiye. Haan, zarur.
बेसिकली जस्ट बिकॉज आई एम अ लिटिल एक्सपीरियंस तो आपको मैं शेयर कर सकती हूँ, आपको मैं सजेस्ट कर सकती हूँ. तो सबसे पहले तो मेरा पहला सजेशन जाएगा पेरेंट्स को. पेरेंट्स को कि सच्ची बताऊँ तो अगर आपको लगता है कि आपके यू नो योर चिल्ड्रन हैव द पोटेंशियल, वो गा सकते हैं एंड आपको लगता है कि लाइक दे हैव दैट यू नो थिंग इन देम, तो लाइक सबसे पहले तो मैं बताऊं आपको कि आप बचपन से उन्हें ट्रेन करना शुरू कर दें. बचपन से उन्हें ट्रेन करना शुरू कर दें बिकॉज यू नो बड़े होने के बाद यू नो इवन जो हमारे गुरु भी कहते हैं कि लाइक व्हेन यू आर एडल्ट, जब एडल्ट हो जाते हैं तब लाइक हमारे यू नो थिंग्स या स्टिफ रह जाते हैं ना. बदन अगर बचपन से ट्रेन करके आए तो डिफरेंस रहता है, यू नो डिफरेंस रहता है बचपन से सीखना एंड बड़ा से बड़ा होकर सीखना अलग रहता है. तो बस यही सजेशन है पेरेंट्स को, प्लीज कि लाइक अपने बच्चों को अगर आपको लगता है कि आपके बच्चे में पोटेंशियल है तो उन्हें बचपन से सिखाना चाहिए म्यूजिक, इन्होंने म्यूजिक यू नो कोई भी फील्ड हो बचपन से ट्रेनिंग देना चाहिए. एंड दूसरा बात, मेरे जो यंगस्टर्स है स्पेशली जो बडिंग आर्टिस्ट है जो अब लाइक अभी अभी यू नो ये फील्ड में आया है, उन्हें कुछ करना है तो आपको मैं बता दूँ कि लाइक सबसे पहली बात कि जैसे पहले भी कहा हार्डवर्क ना, एंड देन यू हैव टू स्टे फिट, अपना माइंड को प्रिपेयर रखना है, फिट रहना है यू नो. एंड दूसरा ये दूसरा बात ये है कि लाइक
जैसे मैंने पहले भी कॉम्पिटिशन्स में लाइक यू नो आई हैव इवन मेंशन इट अर्लियर, पहले कॉम्पिटिशन्स में मैंने काफ़ी कॉम्पिटिशन्स में मैंने जज यू नो आई हैव बीन जज. तो लाइक जज बीइंग जज आई हैव इवन लाइक सजेस्टेड दिस थिंग्स टू द कॉम्पिटिटर्स एज वेल, जो लाइक फर्स्ट नहीं आए सेकेंड नहीं आए डजंट मैटर, यू नो जीतना हमेशा ज़रूरी नहीं होता है, लर्निंग इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. तो आपको सीखना है हार हार के भी पॉजिटिव वे में, उसे सीख के लेना बहुत बड़ी बात है, मतलब वो फ्यूचर तक काम आएगा. जितना तो तब तक के लिए रह जाता है. तो सबसे पहली बात है कि अगर आप कॉम्पिटिशन जीतते भी हो, सेकंड भी आते हो, थर्ड भी आते हो, डजंट मैटर, लेकिन सबसे ज्यादा मैटर ये करता है कि उसके बाद आप क्या करते हो. सबसे ज्यादा मैटर ये करता है कि उसके बाद आप क्या करते हो. तो माय डियर पीपल, दैट इज व्हाट आई एम सेइंग, कंसिस्टेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट. मेहनत करना जरूरी है बट कंसिस्टेंसी रहना बहुत जरूरी है. एंड अपना पढ़ाई मिस नहीं करना है, सबसे पहली बात. पढ़ाई तो साथ ही साथ करना है, वो तो बेसिक्स है. हमें पढ़ाई तो जरूर करना है, पढ़ाई के साथ साथ इसको साइड बाय साइड ले जाना. एंड अगर आपको लगता है कि आपका यही फील्ड है, फोकस ओनली ऑन दिस, ट्रस्ट मी, अगर आप अपने इंस्टिंक्ट को फॉलो करोगे देन यू विल लीड टू सक्सेस वन डे. तो सीरी सीएन के दर्शकों, अभी आप मिले हमारे द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड टैलेंटेड लेडी मीनम गोई से. आशा करती हूँ कि ये कार्यक्रम भी आपको बहुत ही पसंद आया होगा. तो बने रहे हमारे सीरी सीएन चैनल के साथ. Simna silongo kai so minye